50 के बाद की कमजोरी या 50 के बाद की लैंगिक समस्या कैसे दूर करें, इसके बारे में काफ़ी सारे लोग हमारे पास में आते रहते हैं। यूजुअली होता क्या है कि 50 के बाद में जब प्रॉब्लम आता है तो उनको बोलना भी किसी को अच्छा लगता नहीं, और फिर वो शर्मा शर्मी में जल्दी हमारे पास में आती ही नहीं। तो उसके लिए मैं सोचा कि भाई एक वीडियो बना के लोगों को देते हैं, तो डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद ही खुद का इलाज कर सकेंगे या फिर कहीं प्रिस्क्रिप्शन कोई डॉक्टर से लेके अपना इलाज कर सकेंगे, एक्सपर्ट के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो ऐसा उनको शर्मा शर्मी आती है तो है ना, ठीक लगता नहीं तो बहुत डर रहे हैं तो वगैरह। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 50, 60, 70 के बाद में भी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमने सेक्स करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि मुझे चाहिए, वो क्या बोलते, नहीं नहीं मेरे पत्नी को है ना ज़रूरत है, वो क्या बोलेंगी, उसको तो शारीरिक इच्छा है कि नहीं है, उसकी पूरी करने के लिए मुझे सेक्स करना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह। एक्चुअली उनको मतलब पत्नी कोई बोलती नहीं रहती है, उनको भी चाहिए रहता है और उनको इरेक्शन नहीं आता है। तो 50 के बाद में कोई व्यक्ति मेरे पास में आता है तो मैं बोलता हूँ कि पहले देखो भाई आपका डायबिटीज़ है क्या, शुगर है क्या, शुगर पहले टेस्ट कर लो। फिर शुगर टेस्ट कर लिया तो काफ़ी लोगों की यदि फैमिली हिस्ट्री है तो काफ़ी लोगों की शुगर ज़्यादा ही निकलती है। फिर हम देखते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है क्या, यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर डोज देना पड़ेगा या टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। शुगर बढ़ी है तो एंटी डायबिटिक दवाई चालू करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, कुछ क्या बहुत लोगों को रहता है मतलब ब्लड प्रेशर, और उसके लिए फिर वो मतलब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन रहता है और उसके लिए वो दवाई लेते रहते, तो उसके लिए भी फिर हमने सोचा कि भाई वो भी बदलो, क्योंकि कुछ दवाई ऐसी रहती है ब्लड प्रेशर की कि जिनसे इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो वो हम बदल देते हैं। फिर कुछ लोगों को थायराइड की बीमारी निकलती है तो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH टेस्ट कर लिया तो ज़्यादा निकलता है तो वो एक उसका इलाज करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि उनको डॉक्टर्स जो है वो एक टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, नींद नहीं आती करके उनको एंग्जायटिक एंटी डिप्रेसेंट देते, बोलते हैं हाँ हम एक गोली लेते हैं रात को, मगर वो एक गोली से भी लोगों को सेक्सुअल डिप्रेशन होता है और इरेक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो हम वो बोलते हैं कि ठीक है भाई डिप्रेशन के लिए आप दवाई लेते हैं तो वो भी बदल डालो, डिप्रेशन के लिए ऐसी दवाई लो कि जिससे इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में फिर हम लोगों को बोलते हैं कि लाइफस्टाइल बदलो, वजन कम करो, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने पड़ेंगे, वजन कम करना है, नींद बराबर लेना है, रिलेशनशिप यदि बराबर नहीं है तो वो देखो, स्ट्रेस कम करो, रिलेशनशिप ठीक करो, और फिर उसके साथ साथ फिर दवाई लो। तो फिर ये जो PDE5 इनहिबिटर्स है मतलब सिल्डानाफिल, तो सिल्डानाफिल मैं अक्सर प्रिस्क्राइब करता हूँ। यदि आप हमारे तक नहीं पहुँच पाए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवाई ले सकते हैं। तो PDE5 इनहिबिटर मतलब सिल्डानाफिल जो है तो अलग अलग नाम से उपलब्ध है। यूजुअली 50-55 के बाद में मैं 100 मिलीग्राम ही देता हूँ, 100 मिलीग्राम की गोली है। और उसके साथ साथ जो लोग मतलब 90% लोग तो यही बोलते हैं कि हमको जल्दी गिर जाता है, प्री मैच रिजैकुलेशन 90%, मतलब इरेक्शन का प्रॉब्लम है, एक तो इरेक्शन आता ही नहीं है और आया तो जल्दी गिर जाता है, तो एक प्रॉब्लम वो है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेपॉक्सिटिन प्लस सिल्डानाफिल ऐसे कॉम्बिनेशन उपलब्ध है, डेपॉक्सिटिन प्लस टाडालाफिल ऐसे कॉम्बिनेशन उपलब्ध है। फिर हमने कुछ खास, मैंने इंस्ट्रक्शन दे के कुछ खास टेबलेट्स बना के ली हुई है कंपनियों की तरफ से, उसमें हमने टाडालाफिल, फिर क्लोमीप्रेमिन, फिर फ्लॉक्सेटिन, मतलब ऐसा सभी जो जल्दी गिरने के खिलाफ काम करते हैं, तो वो सब दवाई का कॉम्बिनेशन करके दवाई तैयार की है। वो एक्चुअली 4-in-1, 3-in-1 ऐसी दवाई है कि एक साथ वो लेते हैं तो SSRI भी उसमें है, ट्राईसाइक्लिक भी उसमें है, टाडालाफिल भी है, मतलब इरेक्शन भी आ जाएंगा, ऐसी दवाइयाँ तैयार की है। तो ऐसी दवाई यदि लेते हैं तो 2 घंटे पहले लेना है, भूखे पेट लेना है तो बहुत ही अच्छा है, ठंडे पानी के साथ में लेना है एक गोली 100 मिलीग्राम की। और यदि 50 मिलीग्राम की गोली है विथ डेपॉक्सिटिन 30 मिलीग्राम, मतलब 50 प्लस 30 का कॉम्बिनेशन है, तो हम वो देते हैं और उसके साथ साथ 50 मिलीग्राम की गोली सेपरेट सिल्डानाफिल देते हैं। मतलब अपने को सिल्डानाफिल होना है 100 मिलीग्राम, डेपॉक्सिटिन होना है 30 मिलीग्राम, और वो जो मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ 4-in-1 वाला, वो यदि लेते हैं जिसमें ट्राईसाइक्लिक भी है, फ्लॉक्सेटिन भी है, मतलब SSRI भी है, टाडालाफिल भी है, सभी कॉम्बिनेशन है, तो एक गोली लिया तो भी चलती है। 2 घंटा पहले भूखे पेट लेते तो अच्छा है, और उसके साथ साथ
यदि पैरासीटामोल और ओमीप्रेजोल लेते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि यूजली ये दवाइयाँ एसिडिटी कॉज करती है, तो पहले से एक ओमीप्रेजोल ले लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाथ पैर दर्द करते बॉडी एक्सटेंड पेन से तो पैरासीटामोल ले लो। और उसके साथ साथ फिर कभी कभी क्या होता है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये दवाई लेने के बाद में सेक्स करते हैं, बाद में नींद नहीं आती, तो फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है, ये गोली लेने के बाद में क्या होता है कि नींद भी नहीं आती और सर दर्द भी बहुत करता है, तो फिर एक डाइजीपाम की गोली ले लो, मस्त सो जाओ आराम से सेक्स करने के बाद। 10 मिनट पहले जिनको जिनको अर्ली इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, 10 मिनट पहले हम उनको स्प्रे देते हैं, वो स्प्रे मारो पेनिस के ऊपर, स्पेशली जो सामने वाला पोर्शन है ग्लांस पेनिस उसके ऊपर मारो, या फिर ऑइंटमेंट है मलम कि जो 2-in-1 मलम मिलते हैं, 2-in-1 मतलब दो अलग अलग ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, एनिस्थेटिक ड्रग्स का कॉम्बिनेशन, वो लेना चाहिए, सिंपल नहीं लेने का है, स्पेशल मलम है कि जो एनिस्थेटाइज्ड कर लेते हैं पूरे लिंग को, तो वो मलम लगाना है 10 मिनट पहले, उसका अच्छा असर आता है। वो 10 मिनट बाद में धो डालना है पूरा पेनिस साफ बिल्कुल साबुन से, ताकि फिर यदि ओरल भी करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक बार मलम लगाए फिर ओरल नहीं कर सकते, तो फिर धो डालना है बाद में ओरल भी कर सकते हैं और असर भी उसका अच्छा आता है। तो इस तरह का ये करते तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जो लोगों को सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा जो दवाई नहीं चलती है, या उनको रेटिना का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रही है, उनको हम टाडालाफिल देते हैं। टाडालाफिल भी नहीं जिसको जमती है उनको वर्दनाफिल देते हैं या एवेनाफिल देते हैं। तो ये दवाइयाँ से भी अच्छा काम होता है, वही है कि 2 घंटा पहले लेना है। टाडालाफिल का फ़ायदा इतना ही है, टाडालिस जो मिलती है या और काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, तो उसका फ़ायदा यही है कि वो कम से कम 24 घंटे काम करती है, 24 से 36 घंटा, मतलब जिनको वीकेंड मनाना है उसके लिए वो अच्छी काम करती है दवाई। जिनको इजैकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जल्दी नहीं गिरता है, इरेक्शन का ही प्रॉब्लम है, उनके लिए हमने स्पेशल तेल बना के रखे, जैसे ये हॉट शॉट ऑयल है, तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू बूस्ट स्टेमिना पावर एंड एनर्जी। फिर ये है प्रेस्टो ऑयल, ये थिक सॉल्यूशन है और ये भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें अलग 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 आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिक्स करके रखी हुई है, और ये भी अच्छा इरेक्शन एंड पावर कॉज करता है। और तीसरा है एक्सट्रीम अप, तो ये इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है और ये सिर्फ मैन के लिए है, पुरुष के लिए है, और स्टेमिना बूस्टर है, पावर एंड एनर्जी बूस्टर है। मतलब ये सब दवाइयाँ, मतलब ये जो ऑयल, ये ऑयल लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ये ऑयल यदि चाहिए आपको तो नीचे लिंक दी हुई है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ऑयल बुला सकते हैं हमारे तरफ से और वो लगा सकते हैं। ये सभी तरह की दवाइयाँ हैं, मगर सिर्फ दवाइयाँ लेकर, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, दवाई ले लिया और कुछ काम में लग गए तो कुछ होगा नहीं फ़ायदा। दवाई ले लिए टीवी देखते बैठेंगे कुछ नहीं होगा, दवाई लेके फिर बाद में कुछ नहीं काम करना है, वो स्पेस में रहना है सेक्स के, रोमांस करो, बातें करो, शांत रखो दिमाग, विचार करो सेक्स के, तो ही इरेक्शन आएगा। बहुत सारे लोग बोलते कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, अरे भाई गोली लेने के बाद में कहाँ क्या किया, बोले गोली लेने के बाद में हम घूमने चले गए, ऐसा नहीं होता। तो गोली लेने के बाद में कोई टेंशन वाला कार्यक्रम करने का नहीं है, इस तरह का आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा आखिरी तक, जिंदगी के आखिरी तक, उम्र कितनी भी रहो। मेरे पास में 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के, सबसे ज़्यादा उम्र वाला जो मेरे पास में आदमी आया 97 ईयर्स, वो आया और वो बोला कि नहीं मुझे तो करना ही है, और ऐसा इच्छा लगता है कि 15 दिन में तो भी एक बार करना ही चाहिए, और वो भी मेरे पास में आके दवाई लेके गया है। तो इस तरह का लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर इज़ केयरिंग। आपका ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।